अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस या फिर लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हो, आप कैसे अपना ड्राइविंग लाइसेंस से पहले लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप करके लर्निंग लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई करके बताने वाला हूँ। अगर आप भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस से पहले अपना लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हो, साइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप गूगल में आ जाइए, वहाँ से आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ। जैसे आप गूगल में आ जाएंगे, आपने जस्ट टाइप करना है PRIVHAN.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे आप गूगल में प्रिवहान टाइप करोगे, पहला लिंक आप देख रहे होंगे PRIVHAN.gov.in, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट। अब आपने फर्स्ट लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे फर्स्ट लिंक प्रिवहान वाले टैग पर क्लिक करोगे, आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाओगे। यहाँ पर साइट के बारे में जो भी इंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। अप्लाई करने के लिए आपने यहाँ पर थोड़ा सा पर नीचे आ जाना। नीचे आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा लाइसेंस रिलेटेड सर्विस, इसके नीचे ही आपको फर्स्ट स्टेप आप देख रहे होंगे ड्राइविंग या फिर लर्निंग लाइसेंस। अब आपने इस टैग पर क्लिक कर देना है। फर्स्ट ऑप्शन आप देख रहे होंगे ड्राइवर्स या फिर लर्निंग लाइसेंस, अब आपने इस लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करोगे, ये पेज आपको रिडायरेक्ट एक दूसरी साइट पर आपको ले जाएगा। यहाँ पर फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपने थोड़ा सा पर स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपने सबसे पहले अपनी स्टेट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस या फिर लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले आपने अपनी खुद की स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। इंडिया की तमाम स्टेट्स आपको शो हो जाएंगी। जिस भी स्टेट वगैरह से आप बिलोंग करते हो या जिस भी स्टेट वगैरह में आपका एड्रेस आधार कार्ड पर मेंशन है, वही स्टेट आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग अपना स्टेट यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग ही स्टेट को मेंशन कीजिए। स्टेट मेंशन करते ही आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड तमाम की तमाम सर्विस आपको मिल जाएंगी। फर्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे अप्लाई फॉर लर्निंग लाइसेंस, सेकेंड ऑप्शन आप देखेंगे अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। याद रही, ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने से पहले आपको लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑप्शन आप देख रहे होंगे एल अप्लाई फॉर लर्निंग लाइसेंस, अब आपने इस टैग पर क्लिक कर देना है। याद रही, ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने से पहले आपको लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे आप लर्निंग लाइसेंस वाले टैग पर क्लिक करोगे, आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको दी गई हैं। स्टेप 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्टेप में पूरे फॉर्म को आपको फिलअप करना पड़ेगा। आप इन तमाम 6 स्टेप पढ़ने के बाद आपने नीचे आ जाना है। नीचे आपने कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना है। याद रही, 6 स्टेप में पूरे फॉर्म को कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे आप कंटिन्यू टैग पर क्लिक करोगे, आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर लर्निंग लाइसेंस, सबसे पहले आपने अपनी कैटेगरी वगैरह को चूज़ कर लेनी। अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है तो आप कैटेगरी को चूज़ कर सकते हो। अलबत्त मैक्सिमम कैंडिडेट यहाँ पर जनरल ही आएगा। जनरल सेलेक्ट करने के बाद नीचे फर्स्ट ऑप्शन चूज़ रहने देना आपने। इसके अलावा जो स्टेट आपने सेलेक्ट किया है, आपके स्टेट में जितने भी RTO ऑफिस वगैरह होंगे, तमाम के तमाम RTO ऑफिस आपको शो हो जाएंगे। अब आपका जो भी लोकल नज़दीक का RTO ऑफिस या आपके डिस्ट्रिक्ट के मुताबिक जो भी RTO ऑफिस आपको शो हो जाएगा, आपने अपना लोकल नज़दीक का RTO ऑफिस सेलेक्ट करने के बाद नीचे सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। याद रही, लोकल नज़दीकी RTO ऑफिस सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप सबमिट टैग पर क्लिक करोगे, आपके सामने फिर से एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर EKYC सबसे दो ऑप्शन आपको दिए, फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको दो ऑप्शन दिए गए। फर्स्ट ऑप्शन, अगर आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है तो आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ कर लेना है। बाई केस, इन केस अगर आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप सेकंड ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है तो आपने फर्स्ट ऑप्शन सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ कर लेना है। याद रहे, अगर आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है तो ही आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करने के बाद नीचे सबमिट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट टैग पर क्लिक करोगे, कुछ इंस्ट्रक्शन आपको शो हो जाएंगी। इफ़ योर मोबाइल नंबर हैज़ बीन चेंज्ड, प्लीज़ गेट द मोबाइल नंबर ओके टैग पर क्लिक करते ही अब आपका स्टेट, इसके अलावा आधार नंबर या फिर वर्चुअल आईडी, आप इन दोनों में से कोई भी एक यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। चलिए मैं अपना आधार नंबर ही यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ। आधार नंबर सेलेक्ट करने के बाद जिस भी कैंडिडेट का या खुद का फॉर्म फिलअप करे हो, उसी कैंडिडेट का आपने 12-डिजिट आधार नंबर मैंशन कर देना है। आप चाहो तो अपना 16-डिजिट वर्चुअल आईडी भी मैंशन कर सकते हो।
12 डिजिट आधार नंबर मेंशन करने के बाद नीचे आपने जनरेट ओटीपी टैग पर क्लिक कर देना है। याद रही, जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है उस पर आपको वन टाइम ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी नीचे आपने फिलअप कर लेना है। ध्यान रही, पहले अपना 12 डिजिट आधार नंबर मेंशन करने के बाद नीचे आपने जनरेट ओटीपी टैग पर क्लिक कर देना है। जनरेट ओटीपी टैग पर क्लिक करते ही आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर आपको वन टाइम ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी फिलअप करने के बाद नीचे टर्म एंड कंडीशन आप एक बार जरूर पढ़ लीजिए, इनको आपने एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे ऑथेंटिकेशन वाले टैग पर आपने क्लिक कर देना है। याद रही, जो भी मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है ओटीपी फिलअप करने के बाद ही नीचे आपने ऑथेंटिकेशन वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट वाले टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद चलिए थोड़ा सा फिर नीचे आ जाते हैं। आपका स्टेट, इसके अलावा जो भी आधार के जो डिटेल्स आपके आधार कार्ड के साथ मैच होंगी तमाम के तमाम डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। आपका नाम, पैरेंट एज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, इसके अलावा आपका फोटो, इसके अलावा लोकल एड्रेस, तमाम की तमाम डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। नीचे आपने प्रोसीड वाले टैग पर क्लिक कर देना है। याद है, जो भी डिटेल्स आपके आधार कार्ड के साथ मैच होंगी तमाम की तमाम डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। जैसे प्रोसीड वाले टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। दोबारा से आपका स्टेट, आपका लोकल एड्रेस, इसके अलावा आपका नाम, पैरेंटेज, तमाम की तमाम डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। इसके अलावा आपका फोटो शो हो जाएगा। नीचे प्लेस ऑफ बर्थ, इसके अलावा कंट्री, क्वालिफिकेशन आपने मेंशन कर देनी, जिस भी कैंडिडेट का या खुद का फॉर्म फिलअप कर रहे हो, जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है आपने अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मेंशन कर देनी है। अगर आप सिर्फ 8th पास हो तो आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ कर लेना है। अगर आप 10+2 यानी 12th पास कर रहे हो तो आपने सेकंड ऑप्शन चूज़ कर लेना है। अगर आप सिर्फ 10th पास हो तो आपने 10th स्टैंडर्ड चूज़ कर लेना है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन बिल्कुल लो है तो आप बिलो 8 मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा डिप्लोमा वगैरह है तो आप अपने अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन को मेंशन कीजिए। जो भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है 8th, 10th, 12th आप अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन कीजिए। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन पर सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग ही क्वालिफिकेशन पर मेंशन कीजिए। क्वालिफिकेशन में सेलेक्ट करने के बाद अगर आपको ब्लड ग्रुप वगैरह पता है तो आपने ब्लड ग्रुप वगैरह मेंशन कर देना। इसके अलावा लैंडलाइन नंबर अगर आप मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा आप अपने ईमेल आईडी को भी मेंशन कीजिए। ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद जिस भी पर्सन का फॉर्म फिलअप कर रहे हो, जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है वही मोबाइल नंबर आपने मेंशन कर देना है। याद रहे, जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ मैच है सेम टू सेम वही मोबाइल नंबर मेंशन करने के बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट अगर मेंशन करना चाहो कर सकते हो। इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन मार्क, कट मार्क, तिल मार्क, मोल वगैरह आपकी बॉडी पर कोई भी है तो आप ज़रूर मेंशन कीजिए। इसके अलावा तमाम का तमाम आपका एड्रेस नीचे शो हो जाएगा। आपका एड्रेस, स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, तमाम लोकल आपके एड्रेस आपका आधार कार्ड के साथ लिया जाएगा। चलिए नीचे हमारा एड्रेस तमाम के तमाम आधार कार्ड के साथ लिया जा रहा है, नीचे आपने आ जाना है। याद रही, एड्रेस डिटेल्स आपको वही शो हो जाएंगी जो आपके आधार कार्ड के साथ मैच हो रही होंगी। चलिए थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद आपका मेन स्टेप यहाँ पर शुरू हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जिस भी लर्न लाइसेंस वगैरह के लिए आप अप्लाई करो, इंस्ट्रक्शन आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। इसके अलावा नीचे आने के बाद अब आप किस टू व्हीलर, फोर व्हीलर या फिर हैवी कि जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हो आपने सेलेक्ट कर लेना। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर दोनों के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग ही यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप अपने मोबाइल में फॉर्म को फिलअप करो तमाम के तमाम ऑप्शन आपको शो हो जाएंगे। चलिए मैं यहाँ पर टू व्हीलर यहाँ पर मोटरसाइकिल विद गियर सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके अलावा नीचे लाइट मोटर व्हीकल फोर व्हीलर्स के लिए मैं यहाँ पर LMV चूज़ कर रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी हैवी ड्राइविंग लाइसेंस या जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो तमाम के तमाम ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। अगर आप टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपने मोटर व्हीकल विद गियर एंड लाइट मोटर व्हीकल LMV चूज़ कर लेना। उसके बाद आप नीचे ओके टैग पर क्लिक कर देना। याद है, तमाम के तमाम ऑप्शन आपको शो हो जाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग ही जिस भी के लिए आप अप्लाई करें वही अपने पर सेलेक्ट कर लेना। मैक्सिमम केस में पर टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर ही आएगा जो मैं सेलेक्ट कर चुका हूँ। उसके बाद जैसे ओके टैग पर क्लिक करोगे डिटेल्स आपको शो हो जाएगी। नीचे आपको एरो वाला बटन आपको शो हो जाएगा। अब आपने इस एरो वाले बटन पर टिक मार्क लगा देना। याद रही, पहले आपने सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको एरो वाला बटन आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा। आपने इस एरो वाला बटन पर टिक मार्क करते ही नीचे वो डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। आप डिटेल्स को प्लस माइनस वगैरह कर सकते हो, डिलीट वगैरह करना चाहो कर सकते हो। उसके बाद आपने नीचे आ जाना।
नीचे आप अनटिक ही रहने देना, उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म वन वे टैग पर आपने क्लिक कर देना है। अब आप खुद का किसी भी अदर पर्सन का फॉर्म फिलअप करें, नीचे आपने सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म वन वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म वाले टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपके सामने सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म वन शो हो जाएगा। डिक्लेरेशन आपको दी गई है, आप एक बार जरूर डिक्लेरेशन को रीड कीजिए, उसके बाद आपने इन कॉलम को येस नो में मैंशन कर देना है। चलिए मैं ऑलरेडी से इन डिटेल्स को पढ़ चुका हूँ, मेरे केस में फर्स्ट कॉल में नो, उसके बाद यहाँ पर येस, उसके बाद नो। चलिए आप अपने अकॉर्डिंग इन कॉलम को येस नो में मैंशन कीजिए। अलबत्ता यहाँ पर पहले कॉल में नो, उसके बाद येस, उसके बाद नो नो नो, उसके बाद नो ही आएगा। उसके बाद आई हेयर वाय टैग पर क्लिक करने के बाद नीचे अपने सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। डिटेल्स बिल्कुल ध्यान से येस नो में आपने मेंशन कर देने। उसके बाद आपने आई हेयर वाय टैग पर क्लिक करने के बाद नीचे सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। जो डिटेल्स मैंने सेलेक्ट की है आप इन्हीं के मुताबिक आप डिटेल्स को मैंशन कर सकते हो। उसके बाद आपने नीचे सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने ओके टैग पर क्लिक कर देना। ओके टैग पर क्लिक करते ही हमारी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। नीचे आपने बैक वाले टैग पर क्लिक कर देना। जैसे बैक वाले टैग पर क्लिक करोगे दोबारा से उसी पेज पर आप आ जाओगे। अगर आप अपनी बॉडी को डोनेट वगैरह करना चाहो तो आप येस मैंशन कर सकते हो, अदरवाइज आपने पर नो मैंशन कर देना है। नीचे टिक मार्क लगाने के बाद नीचे सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। सबमिट टैग पर क्लिक करने से पहले मैं रिकमेंड करूँगा तमाम डिटेल्स आप एक बार दोबारा से चेकआउट कीजिए, उसके बाद ही आपने सबमिट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट टैग पर क्लिक करोगे लोडिंग होने के बाद आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर आपने ओके टैग पर क्लिक कर देना। योर एप्लीकेशन हैज़ बीन एक्सेप्टेड, इफ़ यू फोन एट लेटर स्टेज अगर कोई मिस्टेक वगैरह तो अभी भी आप कैंसिल वगैरह कर सकते हो। हमारे केस में सब कुछ ठीक है, मैं यहाँ पर ओके टैग पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आर श्योर टू सबमिट, यहाँ पर ओके टैग पर आपने क्लिक कर देना। जैसे ओके टैग पर क्लिक करोगे आपकी वन टर्न रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। कॉन्ग्रेचुलेशन, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिट सक्सेसफुली, यहाँ पर आपको शो करा। नीचे आपने ओके टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे ओके टैग पर क्लिक करोगे आपकी वन टर्न रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। आपको एप्लीकेशन नंबर दिया जाएगा, मैं रिकमेंड करूँगा आपने इस एप्लीकेशन नंबर को नोट डाउन कर लेना है। अब आप इसी एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ के जरिए बाद में कभी भी लॉग इन कर सकते हो। दिहारे जो भी एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पर दिया जाएगा आपने ध्यान से उसको नोट डाउन कर लेना। एप्लीकेशन नंबर, इसके अलावा अदर डिटेल्स आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। आप इनको रीडाउट करना चाहो कर सकते हो। आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट, मैं रेकमेंड करूँगा स्क्रीनशॉट डाउनलोड करके आप इस फॉर्म को ज़रूर रख लीजिए। उसके बाद नीचे आने के बाद आपने नेक्स्ट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जितनी भी डिटेल्स अभी तक आपने मेंशन की हैं तमाम की तमाम डिटेल्स आपके ऊपर शो हो जाएंगी। उसके बाद नीचे आपने नेक्स्ट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने फिर से एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। आपका एप्लीकेशन नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको शो हो जाएगी। नीचे आपको जो भी कैप्चा कोड आपको दिया जाएगा, आपने कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद सबमिट टैग पर क्लिक कर देना। आपका एप्लीकेशन नंबर और आपकी डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी आपको शो हो जाएगी। कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद जैसे सबमिट टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने फिर से एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको दोबारा से आपका एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, इसके अलावा आपका नाम, तमाम की तमाम डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पर आपको मिल जाएगा, आपका फोटो वगैरह भी आपको शो हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा पर नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद एप्लीकेशन सबमिटेड फॉर, चलिए उसके बाद नीचे आ जाना। आप देखेंगे स्टेप वन फिल एप्लीकेशन डिटेल्स कंप्लीट शो करा। हमारा वन स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब आपने सेकंड स्टेप अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर वाले टैग, नीचे आप प्रोसीड वाले टैग पर क्लिक कर देना। याद रही हमारा वन स्टेप अभी कंप्लीट हो चुका है। अब आपने नीचे प्रोसीड वाले टैग पर क्लिक कर देना। जैसे प्रोसीड वाले टैग पर क्लिक करोगे जो भी फोटो सिग्नेचर का साइज वगैरह आपसे लिया जाएगा आपके ऊपर शो हो जाएगा। हमारा जो फोटो जो है आधार कार्ड के साथ ऑलरेडी लिया जा चुका है। नीचे आपने अब आपका सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। याद रही अगर आपने जो फोटो आपके आधार कार्ड के साथ लिया जाएगा तो आपने खाली सिग्नेचर को अपलोड कर लेना है। ब्राउजर टैग पर क्लिक करके अपना सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। याद रही अगर आप आधार कार्ड के जरिए फॉर्म को फिलअप कर रहे हो तो आपका फोटो आधार कार्ड के साथ जो मैच होगा वही आपसे लिया जाएगा। नीचे आपने ब्राउजर टैग पर क्लिक करके अपना सिग्नेचर अपलोड करने के बाद नीचे अपलोड एंड व्यू फाइल टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे अपलोड एंड व्यू फाइल टैग पर क्लिक करोगे आपका फोटो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। उसके बाद नीचे आपने सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल टैग पर क्लिक कर देना है। नीचे आपको ऑप्शन दिया जाएगा सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल, यहाँ पर आपने ओके टैग पर क्लिक कर देना है। ओके टैग पर क्लिक करते ही अपलोड सक्सेसफुली हमारा हो जाएगा। जो भी डिटेल्स
फोटो सिग्नेचर हमारा सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। अब आपने नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने फिर से एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। एप्लीकेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ आपको दोबारा से शो हो जाएगी। दोबारा से अपने कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद सबमिट टैग पर क्लिक करोगे फिर से आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। चलिए फिर से नीचे आने के बाद हमारा फर्स्ट स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल्स कंप्लीट शो कर रहा है। सेकंड स्टेप अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर भी कंप्लीट शो कर रहा है। डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करने के लिए नहीं मांगा जा रहा है क्योंकि आधार कार्ड के साथ ऑलरेडी डिटेल्स ली जा चुकी है। अब आपको पेमेंट वगैरह करनी पड़ेगी। नीचे आप ऑप्शन प्रोसीड, अब आपने प्रोसीड और टैग पर क्लिक कर देना। इन केस अगर आपसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाएगा तो आपने डॉक्यूमेंट आधार कार्ड को भी अपलोड कर लेना है। उसके बाद आपने नीचे प्रोसीड और टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड और टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। चलिए आपका एप्लीकेशन नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ आपको शो हो जाएगी। इसके अलावा आपका नाम, पैरेंटेज, आरटीओ ऑफिस, स्टेट, तमाम की तमाम डिटेल जो आपने पहले मेंशन की है, जिस चीज कोर्स वगैरह की ट्रांजिट क्लास के लिए आप अप्लाई करें डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। जितनी भी अमाउंट आपसे काटी जाएगी वो अमाउंट भी आपकी शो हो जाएगी। नीचे आपने चलिए आप पेमेंट गेटवे पर सेलेक्ट कर लेना। पेमेंट गेटवे आपको एक ही दिया जाएगा, आपने पर सेलेक्ट कर लेना। पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपने पे यू इंडिया आपके अकॉर्डिंग जो भी आएगा आपने वही पर सेलेक्ट करने के बाद नीचे कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद नीचे आपने सबमिट टैग पर क्लिक कर देना। आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भी आपका पर शो हो जाएगा। नीचे आप ऑप्शन देखें पे नो, अब आपने पे नो वाले टैग पर क्लिक कर देना है। तमाम के तमाम डिटेल्स आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो आपने पे नो वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे पे नो वाले टैग पर क्लिक करोगे दोबारा से आपका एप्लीकेशन नंबर, ट्रांजेक्शन आईडी आपको शो हो जाएगी। इसके अलावा आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, जिस डेट को आप फॉर्म को फिलअप करें तमाम की तमाम डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। जितनी भी अमाउंट आपसे काटी जाएगी वो अमाउंट भी आपको शो हो जाएगी। 300 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। इसके अलावा 50 रुपीज़ आपको जो टेस्ट के लिए अलग से काटे जाएंगे, टोटल 350। उसके बाद आपने आई एग्री टैग पर क्लिक करने के बाद नीचे प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले टैग पर क्लिक करोगे ये पेज आपको रिडायरेक्ट यानी मेन पेज पेमेंट पेज पर आपको ले जाएगा। यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई पिन के जरिए आपने पेमेंट वगैरह कर सकते हो। जिन जिन व्हीकल्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, टू व्हीलर, फोर व्हीलर या जितने हैवी वगैरह के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उतनी ही अमाउंट आपसे काटी जाएगी। यहाँ पर आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई पिन के जरिए अपनी पेमेंट वगैरह कर सकते हो। चलिए मैं इसकी पेमेंट ऑनलाइन कर लेता हूँ। पेमेंट करने के बाद आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली आपको शो हो जाएगी। आपका यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, इसके अलावा जो भी रेफरेंस नंबर, जितनी भी अमाउंट आपसे काटी जाएगी आपको स्टेटस सक्सेसफुली शो हो जाएगा। मैं रिकमेंड करूँगा इस पेज को आपने ज़रूर डाउनलोड करके अपने फ़ोन वगैरह में रख लेना है। क्लिक हियर टू प्रिंट रिसिप्ट, आपने इसको प्रिंट वगैरह या डाउनलोड करके अपने फ़ोन वगैरह में रख लेना है। उसके बाद आपने होम वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जो डिटेल्स पेमेंट की डिटेल्स आपको इस पेज पर शो हो जाएंगी, आप इस पेज को ज़रूर डाउनलोड वगैरह करने के बाद उसके बाद आपने होम वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे होम वाले टैग पर क्लिक करोगे जहाँ से आपने पहले अप्लाई किया था वो उसी पेज पर आप दोबारा से आ जाओगे। यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड तमाम की तमाम सर्विस आपको शो हो जाएंगी। अप्लाई फॉर लर्निंग लाइसेंस, अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। चलिए यहाँ पर लॉगिन करने के लिए थोड़ा सा पर नीचे आ जाता हूँ। नीचे आने के बाद आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा। चलिए थोड़ा सा पर मैं नीचे आ जाता हूँ। नीचे आने के बाद आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा कंप्लीट योर पेंडिंग एप्लीकेशन। अब आपने इस टैग पर क्लिक कर देना है। कंप्लीट योर पेंडिंग एप्लीकेशन, जैसे आप कंप्लीट योर पेंडिंग एप्लीकेशन टैग पर क्लिक करोगे अब आपसे लॉगिन डिटेल्स वगैरह आपसे मांगी जाएंगी। अब आपने अपना एप्लीकेशन नंबर मेंशन करने के बाद जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के बाद नीचे अपने कैप्चा कोड वगैरह फिलअप कर लेना है। याद रही आप खुद का या किसी भी अदर पर्सन का फॉर्म फिलअप कर रहे हो, जो भी एप्लीकेशन नंबर आपको पहले दिया गया था वही एप्लीकेशन नंबर फिलअप करने के बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ आपने मेंशन करने के बाद नीचे कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद सबमिट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट टैग पर क्लिक करोगे अब आप इस डैशबोर्ड पे लॉगिन हो जाओगे। यहाँ पर जो भी डिटेल्स अभी तक पहले आपने मेंशन की होंगी, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, तमाम की तमाम डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। इसके अलावा नीचे आपको पीडीएफ फाइल फॉर्म आपको मिल जाएगा। मैं रिकमेंड करूँगा आपने सेल्फ डिक्लेरेशन और दूसरे फॉर्म को यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है या प्रिंट आउट भी वगैरह कर सकते हो। उसके बाद आपने नीचे आ जाना। फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपने नीचे आ जाना। नीचे आपसे यहाँ पर इफ़ द लेटेस्ट स्टेटस एप्लीकेशन इज़ नॉट फाउंड, चलिए हमारे केस में पर सक्सेसफुली हो चुका। मैं यहाँ पर नीचे आ जाता हूँ। अगर आपका अभी
सक्सेसफुली नहीं हुआ तो आप रिफ्रेश वगैरह कर सकते हो। उसके बाद आपने नीचे आने के बाद एप्लीकेशन इज़ अंडर प्रोसेस एट RTO लेवल, चलिए नीचे आप प्लीज़ वॉच द रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल बिफोर प्रोसीड फॉर LL टेस्ट। आपको लर्न लेसेस अब टेस्ट देने से पहले या फिर आपको वीडियो दे दिया जाएगा, आपने वीडियो को वॉच करना पड़ेगा। क्लिक हियर और टैग पर आपने क्लिक कर देना। जैसे क्लिक हियर और टैग पर क्लिक करोगे आपका एप्लीकेशन नंबर आपको शो हो जाएगा। नीचे आपने जनरेट OTP टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे जनरेट OTP टैग पर क्लिक करोगे जो मोबाइल नंबर आपने इस साथ फॉर्म के साथ फिलअप किया है उस पर आपको वन टाइम OTP सेंड किया जाएगा। OTP फिलअप करने के बाद नीचे आपने सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। नीचे लैंग्वेज आप इंग्लिश हिंदी जो भी रखना चाहो रख सकते हो, मैं रिकमेंड करूँ। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग इंग्लिश ही चूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद जैसे सबमिट टैग पर क्लिक करोगे आपको एक वीडियो शो हो जाएगा, अपने वीडियो टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे वीडियो टैग पर क्लिक करोगे वीडियो आपका पर चलना शुरू हो जाएगा। लगभग 15 से 20 मिनट का वीडियो है, आपको पूरा वीडियो वॉच करना पड़ेगा। आप इस वीडियो को स्किप वगैरह नहीं कर सकते हो, ध्यान रहे आपको फुल वीडियो यहाँ पर देखना पड़ेगा। जितने भी 15 मिनट से लेकर 20 मिनट तक आपको यहाँ पर वीडियो आपको दी जाएगी। आपने फुल वीडियो वॉच करने के बाद यू हैव सक्सेसफुली व्यूड द ट्यूटोरियल, वीडियो आपको शो हो जाएगा। नीचे कन्फर्मेशन, आई कन्फर्म दैट आई हैव व्यूड कंप्लीट ट्यूटोरियल, आप इस टैग पर आई कन्फर्म टैग पर अपने क्लिक कर देना है। नीचे अपने सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। याद है आपको वीडियो पूरी वॉच करने के बाद ही कन्फर्म टैग पर क्लिक करने के बाद नीचे अपने सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट टैग पर क्लिक करोगे यू सक्सेसफुली व्यूड द ट्यूटोरियल लो, अब आपने प्रोसीड फॉर लर्न लेसन टेस्ट के लिए टिक टैग पर क्लिक कर देना है। हमारा फॉर्म लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आपने इसके ऊपर जो भी टेस्ट होगा उसको टेस्ट आपको देना पड़ेगा। टेस्ट आप चाहो तो इस वक्त भी दे सकते हो या बाद में कभी भी लॉगिन करके आप इसके टेस्ट वगैरह दे सकते हो। टेस्ट देने के लिए आपने प्रोसीड फॉर लर्न लेसन टेस्ट पर टैग पर क्लिक कर देना है। चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा टेस्ट कैसे देना है। टेस्ट देने के बाद ही आपका यहाँ पर लर्न लेसन कंप्लीट हो जाएगा। लर्न लेसन कंप्लीट होने के बाद 30 दिन के बाद आप लर्निंग लेसन के लिए अप्लाई कर सकते हो। याद रही आपको यहाँ पर लर्निंग लेसन के लिए टेस्ट देना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन आप आसान से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उनका आपने राइट आंसर दे देना है। अगर आपका आप उस टेस्ट में पास हो जाते हो तो आपको लर्निंग लेसन अप्रूवल हो जाएगा। लर्निंग लेसन अप्रूवल होने के बाद आप 30 दिन के बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।